और आगे शायद एक और रास्ता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस रास्ते को, तो सीधे चलते हैं और आगे का जो रास्ता है आप लोगों के साथ मिलाएंगे, क्योंकि इधर का रास्ता है तो काफ़ी ख़राब रास्ता है। उधर से आते वक्त एक दिन इधर आया हूँ तो ये जो केला का बागवान है देख सकते हैं आप लोग, इधर का रास्ता भी काफ़ी जंगल का रास्ता है। और चलते हैं सीधे, क्योंकि इधर का रास्ता जो है इस रास्ते से एक ही बार आया हूँ, तो इस रास्ते से एक बार और चलते हैं आगे, देखते हैं उधर का रास्ता कैसा है, क्योंकि यहाँ पर एक पुल है जिस पुल पे मैं रुका हुआ था उधर से आते वक्त सैटरडे को, क्योंकि हर सैटरडे को दूसरी रास्ते से मैं सफ़र करता हूँ, तो इस बार इसी रास्ते से आया हूँ। और इधर का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है, इस रास्ते पर आप लोग सफ़र नहीं किए होंगे, मैं जानता हूँ कि ये जो गांव का रास्ता है, क्योंकि मेन रोड का रास्ता जो है सबसे अच्छा होता है उधर सफ़र करना, लेकिन इधर जो ये रास्ता है तो इधर से सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इधर का जो रास्ता है इस वाले रास्ते पर मैं नहीं गया, क्योंकि ये जो गांव का रास्ता है इधर काफ़ी ज़्यादा जानवर दिखते हैं, जो जयकाल्स होते हैं इधर घूमते हैं। और इधर का जो सफ़र है रास्ता तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है, तो इधर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इधर का गांव का रास्ता है तो इधर मिलेगा आप लोगों को सिर्फ खेती बाड़ी देखने के लिए, कहीं कहीं पे बड़ा सा बागीचा मिलता है तो मंदिर मिलता है तो दिखला दूंगा, बाकी वैसे सब तो नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि गांव के रास्ते में सफ़र करना ठीक है, रास्ते से सफ़र कर रहा हूं। और कई लोगों को ये लगता होगा कि मैं अपने इस वीडियो में बकवास कर रहा हूं, साइकिल से यात्रा करता है ये लड़का तो बकवास करता हुआ जाता है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है सब उसी के बारे में बताता हूँ, आप लोग जानते होंगे तो आप लोग बोल सकते हैं बकवास कर रहा है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमको, बाकी सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, वीडियो कभी भी चल सकता है। तो चलते हैं आगे, आगे गांव है, यहाँ से रास्ता देख सकते हैं रास्ता कैसा है, तो चलते हैं और आगे से दूसरी तरफ जाएंगे। इस गांव से मैं एक ही बार आया हूँ सफ़र करके, तो इधर से चलते हैं। और बता दूँ कि हमारे जो इस मंदिर वाले वीडियो को जो लोग नहीं देखे होंगे ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि इस सफ़र में अभी केवल रास्ता ही दिखला पाया हूँ, क्योंकि इस रास्ते से मैं सफ़र करता हूँ, इतना दूर तक सफ़र होता है, ये सब आपको ही मालूम चल जाएगा। और आगे जो रास्ता है कहीं कहीं पे ऐसी जगह मिलता है, आप लोग को दिखलाते हुए चलता हूँ। तो अभी का जो रास्ता यहाँ से चलते हैं और आगे बांस ज़्यादा है, बांस की कोठी, जो कि मैं इस रास्ते से आया हूँ दो बार, तो एक बार इस रास्ते से जा रहा हूँ, तो इधर का लोकेशन जो है आप लोग देख ही सकते हैं, बाकी सब हमारे वीडियो में बहुत से वीडियो हैं आप लोग के लिए जो गांव में ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है। पीछे एक पुल है जो जाते वक्त मैं इधर से आप लोग को दिखलाया हूँ, तो जब मैं सफ़र कर रहा हूँ इसी रास्ते से तो इसी रास्ते में दिखलाते हुए चलूँगा, क्योंकि इधर का जो रास्ता है काफ़ी रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इधर कोई आता नहीं है, आप भी लोग आ सकते हैं। और इधर का जो है तो रास्ता काफ़ी सुनसान है, तो सीधे चलते हैं। रास्ते के किनारे ये लीची के पेड़ पतले पतले, और यहाँ पे एक घर है और एक रास्ता है इधर जाने के लिए,
और एक रास्ता ये सीधा। तो इस रास्ते से चलते हैं। यहाँ पे एक देख लिए चिड़िया, रास्ते में बहुत से चिड़िया मिलती हैं देखने के लिए। एक घर यहाँ पर देख सकते हैं, सुनसान जगह पे घर बनाया गया है, घर में दुकानें भी हैं। इधर सीधे जाएंगे तो कच्ची सड़क और इधर है पक्की सड़क, देख सकते हैं गांव का रास्ता है काफ़ी अच्छा। इधर जो रास्ता है जो कि गांव से घूमकर आया है और सब नहर का रास्ता इधर छूट गया, तो इधर का ये जो रास्ता है काफ़ी अच्छा रास्ता है। और अभी तक सूर्य नहीं निकला हुआ है, सुबह से जो सूर्य का प्रकाश है अभी नहीं निकला है। तो सीधे चलते हैं रास्ते पर अपने गांव के, कई ऐसे कच्ची सड़क बगल में इधर भी है। इधर पूरा आप लोगों को धान की रुपाई की खेती मिलेगा और ये गांव का रास्ता पीछे देख सकते हैं, रास्ता काफ़ी अच्छा है, जैसे हाईवे की तरफ लग रहा है। तो इधर का जो रास्ता है सीधा रास्ता है, आगे का रास्ता इधर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है काफ़ी ठीक ठाक है और आगे से मेन रोड है जाने के लिए, तो इसी रास्ते से मैं चलूँगा। और इस सफ़र में बता देता हूँ कि अभी तक मैं 20 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ। 11:40 को निकला था सफ़र के लिए और अभी तक मेरा सफ़र कितना हुआ है अभी आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब यहाँ से कितना दूरी और तय करनी है, आगे चलते हैं क्योंकि आगे रास्ता है एक और सीधे जाने के लिए। तो इधर से चलते हैं हम। ऐसा जो ये लोकेशन है गांव का, सड़क का रास्ता कहीं टूटा हुआ, ये आप लोग किस गांव में देखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहाँ देखे हैं। तो इसी रास्ते से सफ़र है, सीधे चलना है इसी रास्ते के साथ। आगे अभी रास्ते में क्या मिलने वाला है रास्ते में मैं आप लोग दिखलाऊंगा। इधर जो रास्ता आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रास्ता नहीं मिला है, आगे शायद तालाब दिख रहा है, तो वहाँ पे तालाब दिखलाता हूँ। चलिए आगे इस रास्ते के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं एक तालाब है जो सड़क के किनारे बनाया गया है और काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ से देखने के लिए। इधर पूरा और यहाँ पे एक पेड़ है। और यहाँ पर गेट है, रास्ता है इधर से जाने के लिए, तो इधर से सीधे चलेंगे। ये जो पोखरा है पीछे जो आप लोग पेड़ देख सकते हैं, लोकेशन पे ये पोखरा दिखला रहा था, तो इधर इसी रास्ते से चलते हैं। और काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है ये रास्ता। तो इधर एक पुल भी है आगे। इधर का जो रास्ता है थोड़ा ख़राब है और जो रास्ता यहाँ से है, यहाँ से सीधा रास्ता है करीब 500 मीटर दूरी तक, यहाँ से रास्ता आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा यह सफ़र रहा काफ़ी मुश्किलों भरा, रास्ते में कैसे कैसे रास्ते मिले हैं सभी आप लोग देखे होंगे। तो चलते हैं सीधे इसी रास्ते से और रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो आगे निकलता हूँ और इस रास्ते को मैं दिखलाता हूँ अभी, क्योंकि इस रास्ते जब आया हूँ उधर से, तो जब मैं सफ़र करके आ रहा था उस रास्ते से, तो इधर एक रास्ता है देख सकते हैं, इस रास्ते से निकल गया इधर दूसरी तरफ। इधर का जो रास्ता है ये सीधा रास्ता है, गांव होते हुए जाएगा
कहीं कहीं पे बड़ा बड़ा सा पेड़ रास्ते किनारे मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसा पेड़ मिलता है देखने के लिए, तो काफ़ी खूबसूरत भी है। लेकिन जो ये रास्ता है बहुत ज़्यादा सुनसान है, बहुत से कम लोग इधर मिलेंगे देखने के लिए आपको, ज़्यादा लोग इधर नहीं दिखाई देते हैं। तो इधर जितना लोग मिलते हैं तो गांव भैया कुछ ये देख सकते हैं। तो इधर सीधे चलते हैं, और किस राह से चलना है अभी आगे दिखलाते हैं आप लोगों को। सीधे इधर चलना है, अब इधर आगे नहीं जाएंगे, इधर से चलते हैं। इधर देखते हैं कितना दूर तक चलना है, आगे रास्ता ज़रूर मिलेगा। कुछ दूर आगे आने के बाद से रास्ते में वहाँ पे एक छोटा सा जानवर आप लोग देख सकते हैं, कौन सा जानवर है, नेवला है। तो इधर का रास्ता है, चलते इधर गांव का रास्ता है। आगे से कितना दूरी पर है गांव का रास्ता जाने के बाद से मालूम चलेगा। इधर दोनों तरफ घास उगाए हैं, तो इधर चलते हैं सीधे। तो आगे एक जंगल है, जंगल दिखलाते हैं, इधर जंगल है और रास्ता इधर से, इस रास्ते पर मैं गया था तो खो गया था, इस रास्ते चलता हूँ। जंगल का रास्ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इधर पेड़ पौधे हैं इस जंगल पे, बहुत डरावना भी है गांव का रास्ता। इधर देख सकते हैं कितना पतला रास्ता है गांव का। आते वक्त इधर मैं रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा बगीचा है, इधर रास्ता पतला सा है लेकिन गांव का रास्ता है, काफ़ी अच्छा है। इधर काफ़ी दूर तक अभी गांव नहीं है, आगे गांव आएगा उधर, अभी चलते हैं आगे। तो इधर अभी दोपहर का समय हुआ है, 2:20 हो रहा है, ये रास्ता देख सकते हैं। तो हमको यहाँ से भी सीधे निकलना है, और कितना दूर अभी जाना है ये आने वाले वीडियो में आप लोगों को दिखलाऊंगा। तो सीधे चलते हैं इस रास्ते के साथ से। फिर भी अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है ज़रूर लाइक कीजिएगा हमारे इस सफ़र को। इधर गांव का रास्ता, जो कि ये रास्ता है, इधर छोटा सा जंगल है एक, और इस जंगल में झोपड़ी भी लोग बनाए हुए हैं। और गांव का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, ये बांस की कोठी है, इधर जंगल नहीं है। आगे एक बागीचा भी है, यहाँ पे कुछ घर भी है गांव की तरह, गांव इसे कहते हैं गांव। तो असल में गांव यही है, यहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं देखने के लिए गांव में, तो गांव इसे ही कहते हैं। और रास्ते ऐसे होते हैं गांव में जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं इधर का गांव कैसा है, और यहाँ से गांव में अंदर चलते हैं, इधर भी काफ़ी अच्छा है। भले ही आप लोगों को यह गांव अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन मुझे इस गांव को देखकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा भी है। और सीधे चलते हैं क्योंकि आगे का जो रास्ता है उधर भी खेत खलिहान मिलेंगे देखने के लिए, तो चलिए आगे निकलते हैं। तो अभी इस रास्ते पे सीधे वहाँ से आगे आया हूँ, और इस रास्ते पे चल रहा हूँ सीधे, क्योंकि ये रास्ता सीधे मेन रास्ते मिलेगा वहाँ पे। तो मेन रास्ते के साथ मैं निकलूँगा और आगे, और इधर भी पुल है यहाँ पे, एक चल सकते हैं। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो
इधर का रास्ता आ गए, सीधे चलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि इधर का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा रास्ता है और इस रास्ते से एक बार आया हूँ बस, बाकी सभी दूसरे रास्ते सफ़र किया हूँ, क्योंकि इधर का रास्ता आगे देख सकते हैं कितना साफ रास्ता है। और इधर से गांव को होते हुए सीधे अब चला जाऊंगा अपने हॉस्टल पे, फिर वहां से देखता हूं। फिर तब तक ये वीडियो देखते रहिए और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, या फिर अगर कहीं लोकेशन मिलता है, कहीं जाता हूं घूमने के लिए तो इधर का लोकेशन आप लोगों को दिखलाऊंगा। वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है वीडियो, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा।